हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ मणिकर्णिका का दी क्वीन ऑफ झांसी और क्रिटिक्स ने क्या क्या रिव्यू दिया है इस फिल्म को, तो इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बॉलीवुड के, टॉलीवुड के सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते। तो फ्रेंड्स, मणिकर्णिका दी क्वीन ऑफ झांसी, यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर बायोपिक फिल्म है। ये फिल्म में कंगना रनावत आपको लीड रोल में नजर आएंगे और कंगना रनावत के साथ अंकिता लोखंडे और बंगाली एक्टर जिशी सेनगुप्ता भी नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप बात कर रहे थे इस फिल्म के बजट के बारे में, तो ये फिल्म का बजट 125 करोड़ बताया जा रहा है। तो मतलब इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग इंडिया में नेट कलेक्शन चाहिए 150 to 160 करोड़। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, ये फिल्म सोलो रिलीज नहीं है, इसके साथ ठाकरे भी रिलीज हुआ जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है, वो ठाकरे भी रिलीज हुआ, तो सोलो रिलीज नहीं है, तो स्क्रीन में थोड़ा कम मिला स्क्रीन, तो ठाकरे भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप बात करते, ये फिल्म सिर्फ हिंदी में रिलीज नहीं हुआ, हिंदी के साथ तेलुगु और तमिल में भी रिलीज हुआ है, तो तीन लैंग्वेज में रिलीज हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं रिव्यू के बारे में, तो जिन्होंने ये फिल्म देखा है, ऑडियंस का भी रिएक्शन बहुत ही अच्छा है, फिल्म बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है और बड़े बड़े क्रिटिक्स ने भी बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है इस फिल्म को। कोई 3.5 स्टार दे रहा है, कोई 4 स्टार दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा रिव्यू है और वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत ही अच्छे है। तो अब फिर बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो अब तक रिपोर्टली माने और ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि यह फिल्म अपने फर्स्ट डे पर 10 to 12 करोड़ कमा लेगा अगर नाइट शो अच्छे रहे। तो नाइट शो ज़्यादा अच्छे रहे तो उससे ज़्यादा कलेक्शन करेगा, नाइट शो कम हुआ तो उससे कम कलेक्शन करेगा, तो मतलब अब एवरेज 10 to 12 करोड़ यह नेट कलेक्शन कर लेगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, रिव्यू भी अच्छा मिला है, तो कल का दिन क्या कलेक्शन करता है और संडे के दिन क्या कलेक्शन करता है, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं थोड़ी देर बाद डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ मणिकर्णिका वर्सेस ठाकरे डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं लाऊंगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, थोड़ी देर बाद मैं वीडियो बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।